दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार गुप्ता। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अपने YouTube चैनल में अपलोड डिफॉल्ट्स की सेटिंग कैसे करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि अपने YouTube चैनल में वीडियो में अपलोड डिफॉल्ट्स कैसे सेट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो आपको डैशबोर्ड में अपने जाना है, यानी आपको क्रिएटर स्टूडियो में जाना है, और उसमें जाने के बाद आपको देखो चैनल ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखो अपलोड डिफॉल्ट्स एक ऑप्शन है, इसको आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे पहला है प्रिवेसी, ठीक है, तो आप यहाँ पे पब्लिक, अनलिस्टेड और प्राइवेट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप यूट्यूब में पैसे कमाने के लिए आए हो तो आप पब्लिक ही सेलेक्ट करो यहाँ पे, ठीक है। और कैटेगरी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, यदि आप कॉमेडी के बारे में वीडियो बनाते हैं तो कॉमेडी सेलेक्ट कर लीजिए, एडुकेशन, इंटरटेनमेंट, जो भी आप गेमिंग के बारे में यदि वीडियो बनाते हैं तो गेमिंग डाल सकते हैं यहाँ पे, या फिर फिल्म एंड एनिमेशन के बारे में आप वीडियो बनाते हैं तो फिल्म एंड एनिमेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भी आप स्पोर्ट्स के बारे में यदि आप बनाते हैं वीडियो तो स्पोर्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने एडुकेशन के बारे में वीडियो बनाता हूँ तो एडुकेशन सेलेक्ट कर लिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको लाइसेंस सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे दो लाइसेंस होते हैं, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस और एक होता है क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस। तो आपको क्रिएटिव कॉमन्स सेलेक्ट तब करना है जब यदि आप चाहते हो कि आपकी वीडियो कोई दूसरा बंदा भी यूज कर पाए तो आपको क्रिएटिव कॉमन्स यूज करना है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो को कोई दूसरा बंदा यूज ना कर पाए तो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको टाइटल डालना है, तो टाइटल आप यहाँ पे टाइप ना ही करें, क्योंकि टाइटल जो भी आप वीडियो अपलोड करते हैं तो वहाँ पे तो आपका टाइटल रहता ही है, और फिर आप टाइटल हर एक वीडियो की टाइटल सेम तो रखनी नहीं है आपको, तो यहाँ पे, और यदि आप चाहते हैं टाइटल सेम रखना तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि ये हर एक वीडियो में आपको दिखाई दे, तो जैसे मैंने यहाँ पे डाला है हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ गौरव कुमार गुप्ता, और ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। और यहाँ पे कुछ लिख सकते हो कि और हमारे चैनल को की नई वीडियो को जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, तो जिससे आप जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो ये आपको दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा, ये सारी वीडियो में ये लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और साथ ही फिर आप और वहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं जब आप वीडियो अपलोड करेंगे। साथ ही यहाँ देखो टैग्स आपको डालना है, तो टैग्स यदि आप कुछ डालना चाहते हो कि ये टैग्स, मतलब जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो यहाँ पे टैग्स ये डले रहने चाहिए, तो आप यहाँ पे टैग्स आपको डाल देने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो किस प्रकार से मैंने यहाँ पे टैग डाले हैं, और वहाँ पे आप टैग्स चेंज भी कर सकते हो, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप यहाँ पे सोच रहे हो कि यहाँ पे मैंने यदि टैग्स डाल दिए तो आप हमको चेंज करना है हर एक वीडियो में, तो आप चेंज कर सकते हो। और फिर आपको देखो नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद आप देखो यहाँ पे कमेंट्स, यदि आप चाहते हो कि आपके सारी वीडियो में सारे कमेंट हों तो आप यहाँ पे ऑल कमेंट्स कर सकते हैं। और अप्रूव पे यदि आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको होगा क्या कि आपके पास जो भी कमेंट करेगा तो सबसे पहले आपको अप्रूव करना पड़ेगा, तो यदि आप अप्रूव कर देंगे तभी लोग उसको देख पाएंगे। तो ये था, और यूजर कैन व्यू रेटिंग फॉर दिस वीडियो, तो क्या आपके जो यूजर्स हैं यानी आपके जो वीडियो देखते हैं तो क्या वो आपकी वीडियो को रेटिंग कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपको इसको भी चेक करना है। और साथ ही मोनेटाइज विथ एड्स, यानी इसको यदि आप चेक कर देंगे तो आप जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके सारे वीडियो मोनेटाइज रहा करेंगे, आपको एक एक वीडियो को जाके मोनेटाइज करना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे जितने भी प्रकार के आपके पास ऑप्शन है मतलब एड्स के, तो उस सारे ऑप्शन को आप चेक कर दीजिए। साथ ही ये आपको ऑटोमेटिक मिड रोल एड्स, इसको भी आपको चेक कर देना है। और यहाँ पे आप वीडियो की लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने वैसे कुछ सेलेक्ट नहीं किया है क्योंकि कभी मैं हिंदी में वीडियो डालता हूँ, कभी इंग्लिश में, तो यहाँ पे आपको जब आप वीडियो अपलोड करेंगे तब डाल सकते हैं, यहाँ पे आप कोई ज़रूरी नहीं है। साथ ही यहाँ पे देखो कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन, इसको भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो लैंग्वेज आप जब सेलेक्ट करेंगे तभी इसको चेक कर सकते हो, तो इसको चेक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही देखो यहाँ पे कैप्शन सर्टिफिकेशन, इसमें सेलेक्ट वन कोई सेलेक्ट करना है, लेकिन आप सेलेक्ट वन को ही चेक रहने दीजिए, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में दूसरी वीडियो में बता दूंगा ये क्या चीज़ है। साथ ही देखो यहाँ पे सजेस्टेड वीडियो इम्प्रूवमेंट्स, तो आप
यहाँ पे दो ऑप्शन है, नेवर शो एडिट सजेशंस और शो एडिट सजेशन। इसका मतलब क्या होता है देखो दोस्तों, यदि आप वीडियो अपलोड करते हो तो यदि आपने उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं डाला है या फिर आपका वीडियो मतलब हिल रहा है तो वहां पे आपको वो सजेस्ट कर देगा यूट्यूब कि आपका जो वीडियो है हिल रहा है, या फिर आप अपने वीडियो में थंबनेल सेट कर लीजिए, या फिर आप इसमें बैकग्राउंड साउंड नहीं लगाए हैं तो आप बैकग्राउंड म्यूजिक सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सजेशन दे दिया करेगा। साथ ही देखो यहाँ पे वीडियो लोकेशन, तो आप इसमें वीडियो लोकेशन सेट कर सकते हैं। तो यदि जैसे यदि आप इंग्लिश वीडियो बनाते हैं और यदि आप अच्छी खासी अर्निंग यदि करना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा मायने भी रखता है। जैसे यदि आपकी वीडियो कोई USA में देख रहा है या चाइना में ऐसे जगहों में देख रहा है तो आपकी जो वीडियो की इनकम होगी यानी आपकी एडसेंस की जो अर्निंग होगी तो काफ़ी अच्छी होती, क्योंकि इंडिया में जो अर्निंग है तो यहाँ पे लगभग 2,000-3,000 व्यू का $1 मिलता है। लेकिन यदि आपकी वही वीडियो कोई फॉरेन में देखता है यानी अमेरिका में देखता है या फिर चीन में, कुछ बड़े बड़े शहर हैं मतलब बड़े बड़े कंट्री है जहाँ अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, तो यदि आप वहाँ दिखाना चाहते हैं अपनी वीडियो, तो यदि आप अपनी वीडियो को अमेरिका में दिखाना चाहते हैं, लेकिन हाँ अमेरिका में तभी आपको दिखाना है जब आप इंग्लिश में वीडियो बनाते हो। तो यदि आपको अमेरिका में दिखाना है तो USA यहाँ पे आपने डाला और सर्च किया, ठीक है, अब सर्च किया आपने और इसको यहाँ पे ये कहीं पे भी रख सकते हैं जहाँ पे भी आपको दिखाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं और फिर इसको ये यहाँ पे देखो सेलेक्ट हो चुका है, तो ये भी आप कर सकते हो। और यदि आप इंडिया डालना चाहते हो तो इंडिया इंडिया बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट ही रहता है तो इसको करने की आवश्यकता नहीं है। तो इंडिया आपने किया और सर्च किया तो देखो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और मेक स्टैटिक्स, तो इसको भी आपको चेक करना है। और साथ ही देखो जब ये सारी चीज़ें हो जाए तो आपको ऊपर जाना है और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। सेव को क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आपका दिख जाएगा कि आपका जो योर चेंजेस वेयर सेव्ड। तो दोस्तों ये था अपलोड डिफॉल्ट कैसे सेट करते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप इसको लाइक करें और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।